इसमें अब हम वीडियो की जो शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 से। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुआ था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक्सरसाइज 9.2 में ओनली प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स होंगे, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा चाहे वो मोनोमियल्स का हो चाहे बायोनोमियल्स का हो, इनके प्रोडक्ट को ही पढ़ना एक्सरसाइज 9.2 में। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में सेम वैसे टर्म्स दिए हैं, मोनोमियल्स टर्म्स हैं और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट मोनोमियल्स ये है आपके फर्स्ट है और सेकेंड मोनोमियल्स ये दिखी बहन है, ये आपके सेकेंड मोनोमियल्स है और ये क्या है आपके, ये फर्स्ट मोनोमियल्स है। तो प्रोडक्ट कैसे करना है, दिस इंटू दिस मीन्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। आप देखिए इसमें बताया भी एग्जाम्पल बेसिस पर कि 2 × 2 = 4 हो गया, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, एक लाइन अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी आप मुझसे तेज़ी से मुझसे आगे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हम टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये हमारे पास -5y है तो हम 2 का मल्टीप्लाई -5 से कर देंगे। देखिए 2 प्लस है, -5 नेगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस में। 2 × 5 कर लीजिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएंगे। x का मल्टीप्लाई y से कर लीजिए कितना आएगा, xy, ठीक है ना। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 × 5 इज 10, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से एक्स वाई हो गया। अगला देखिए, फिर 2x का मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। वैसे ये फर्स्ट या सेकेंड है लेकिन हमने यहीं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा और 2 × 3 = 6। एक्स यहाँ पर देखिए x है और यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स के पावर 1 है और यहाँ एक्स के पावर 2 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर थ्री हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई -4 से कर रहे हैं तो प्लस वाले का जब माइनस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए तो 2 × 4 = कितना आएगा, 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ एक एक्स है, 1x यहाँ पर है, 1x यहाँ पर है तो एक्स इंटू एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और बाकी देखिए यहाँ वाई नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या वाई है तो अकेले वाई है तो हम लिख दिए, वाई भी लिख दिए, ठीक है। अगले देखिए 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए तो 2 × 7 = कितना होगा, 14। अब यहाँ देखिए एक्स 1 है और यहाँ एक्स कितना है, 2 है। यहाँ एक्स 1 है और वहाँ एक्स 2 है तो 1 + 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 3। तो कुल मिलाकर यहाँ एक्स के पावर 3 बच जाएंगे और यहाँ वाई है नहीं लेकिन यहाँ पर क्या वाई है तो आप लिख दीजिए वाई, ओके सही है ना। चलिए अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई -9 से कीजिए तो 2 × -9 बिकॉज एक प्लस एक माइनस है तो पहले तो माइनस लिख दीजिए। 2 × 9 कितना हो गया, 2 × 9 = 18 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स 1 है, 1x है ना और वहाँ कितना है, x के पावर 2। यहाँ एक्स 1 था और वहाँ x के पावर 2 तो 1 + 2 मिलकर कितना हो जाएंगे, 3। एक्स यहाँ पर 3 हो जाएगा बिकॉज एक एक्स है और 2x वहाँ पर थे और बाकी क्या बचा, यहाँ वाई है नहीं लेकिन वहाँ पर क्या वाई स्क्वायर है तो आप लिख दीजिए x³ + y², ओके। पहले हमारे रो कंप्लीट हो गई है, अब दूसरे रो को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए -5 का मल्टीप्लाई करनी है, -5 का मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, -5 × 2 = -10। वाई का मल्टीप्लाई एक्स से करना है तो पहले एक्स लिख दीजिए बाद में वाई, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन पावर एड नहीं होंगे तो y × x = yx लिख दीजिए या xy लिख दीजिएगा, मर्जी आपकी, ठीक है ना। अगला देखिए -5 है और ये माइनस, अब देखिए दोनों माइनस है, -× - क्या होता है, प्लस हो जाता है, -− क्या होता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए कितना आएगा, 25। और y का मल्टीप्लाई y से कर लीजिए, एक y यहाँ पर है एक y यहाँ पर है, जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा y, y के पावर 2 आ जाएगा,
ठीक है ना, तीसरी लाइन कंप्लीट कर दिया था। अब हम इसमें बात करेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस फाइव का मल्टीप्लाई माइनस फोर से कीजिए। देखिए माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस की साइन शो नहीं करते हैं, जैसे हमने लिख दिए हैं, देखिए कहीं भी प्लस लिखा है लेकिन वो लिखा नहीं प्लस है ना, प्लस है लेकिन है नहीं, तो प्लस को शो नहीं करते, बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव का माइनस फोर से कर लेंगे, तो माइनस एंड माइनस हो गया प्लस, और फाइव का मल्टीप्लाई फोर से कर लीजिए, कितना आएगा भाई, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ठीक है ना। और वाई है और यहाँ क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स तो अकेले है ना, यहाँ एक्स तो है नहीं, तो एक्स को तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन वाई वन है, यहाँ पर वाई कितना, ये भी वन है, तो वाई वन वाई इंटू दिस वाई, वाई इंटू वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अब फाइव का मल्टीप्लाई सेवन से कर लीजिए, फाइव का मल्टीप्लाई सेवन से करेंगे कितना आएगा, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, ओके। यहाँ वाई है और यहाँ वाई है, बट यहाँ एक्स भी है, तो एक्स तो अकेले है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर लिख दिए, लेकिन वाई का मल्टीप्लाई जब वाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर आ जाएंगे, वाई इंटू ये वाला वाई। अगला देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फाइव का मल्टीप्लाई नाइन से कर लीजिए, फाइव नाइन से कितना होगा, फोर्टी फाइव हो गया, बचा कितना, वाई है और वहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर अकेले है इसलिए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। और क्या बचा, वाई का मल्टीप्लाई वाई के स्क्वायर से कर रहे हैं, मतलब यहाँ वाई वन है और वहाँ वाई पर कितना है, वाई वहाँ पर टू है, यहाँ वाई वन है और वहाँ वाई टू है, तो कुल मिलाकर वाई के पावर कितना हो जाएगा, वाई के पावर थ्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर टू है, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखिए थ्री का मल्टीप्लाई टू से कर लीजिए, कितना आएगा, थ्री टू जा सिक्स, एक्स के पावर टू है और यहाँ एक्स के पावर वन है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, थ्री का मल्टीप्लाई माइनस फाइव से कर रहे हैं, थ्री इंटू माइनस, एक प्लस और माइनस, तो थ्री फाइव जा फिफ्टी, और एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है, वाई है, तो मल्टीप्लाई नहीं होंगी लेकिन साथ में लिख देंगे, पावर नहीं जुड़ता है बाकी ऐसे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर और वाई मिलकर एक्स स्क्वायर वाई बना दिया। अब अगला देखिए, यहाँ थ्री है और नेक्स्ट में यहाँ पर थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री कितना होगा, दोनों प्लस है इसलिए नाइन हो गया, यहाँ एक्स के पावर टू है और यहाँ एक्स के पावर टू है, तो ये टू और ये टू मिलकर कितना हो गया, एक्स के पावर फोर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, जहाँ माइनस मिला वो माइनस हो जाता है, लेकिन दो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए थ्री का मल्टीप्लाई किससे करना है, फोर से, तो थ्री का मल्टीप्लाई अगर माइनस फोर से करते हैं तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कर लीजिए, देखिए यहाँ एक्स के पावर वन है और यहाँ एक्स के पावर टू है, तो टू का मल्टीप्लाई अगर वन से करेंगे तो पावर एट हो जाएंगे, टू प्लस वन कितना होगा, थ्री, लेकिन यहाँ वाई नहीं है और यहाँ क्या है, वाई है, तो इसलिए एक्स क्यूब वाई लिख दिया, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए थ्री का मल्टीप्लाई सेवन से करना है, थ्री सेवन जा कितना आएगा, ट्वेंटी वन, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी कितना है, एक्स स्क्वायर है, दो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मिले कितना हो जाएगा, मैंने बताया था दोनों पावर एड हो जाएंगे, एक्स के पावर फोर और ये वाई बच जाएगा, तो वाई लिख दिया, देखिए यहाँ पर टू था और यहाँ पर भी टू था, तो टू प्लस टू फोर हो गया, वाई लेकिन अकेले था तो इसलिए वाई लिख दिया गया बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखिए थ्री का मल्टीप्लाई नेक्स्ट करना है माइनस नाइन से, तो थ्री नाइन का कितना होगा, ट्वेंटी सेवन, और ये माइनस में रहेगा बिकॉज यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और ये कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कितना हो जाएंगे, एक्स के पावर फोर हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्स के पावर फोर हो गए, और यहाँ वाई तो है नहीं लेकिन वहाँ वाई है, तो इसलिए एक्स के पावर फोर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स के पावर फोर वाई स्क्वायर आ गए। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करना, माइनस फोर एक्स वाई का टू एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस फोर है ना, माइनस फोर का मल्टीप्लाई टू से कर लीजिए, तो माइनस एंड प्लस कितना हो गया, माइनस, और फोर इंटू टू कितना हो जाएगा भाई, एट हो जाएगा, एक्स यहाँ पर वन है और यहाँ एक्स के पावर वन है, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और वाई क्या बच जाएगा, अकेले, ठीक है।
अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, माइनस एंड माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, लिख दीजिए प्लस, फोर का मल्टीप्लाई फाइव से कर लीजिए तो फोर फाइव का कितना आएगा ट्वेंटी। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स नहीं है इसलिए हमने एक्स को अकेले लिख दिए, यहाँ वाई वन है और यहाँ पर भी वाई वन है तो वाई और वाई दोनों मिलकर वाई स्क्वायर बना देंगे, ठीक है ना। अब अगला देखिए माइनस फोर का मल्टीप्लाई थ्री से कर लीजिए तो माइनस एंड प्लस, माइनस फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और फोर थ्री जै ट्वेल्व हो गया। अगला देखिए एक्स के पावर वन है और एक्स के पावर टू है तो वन प्लस टू मिलकर कितना हो गया थ्री हो गया, लेकिन यहाँ वाई बच गया और यहाँ वाई तो है नहीं इसलिए वाई को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला लेके चलते हैं, अब देखिए माइनस फोर और यहाँ माइनस फोर तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस हो जाते हैं, बट बचेगा कितना फोर इंटू फोर का मल्टीप्लाई कर लीजिए सिक्सटीन, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया तो मैं प्लस अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, मैं यहाँ प्लस नहीं लिख रहा हूँ बस मैं नंबर का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया। और देखिए एक्स यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक्स वन है तो यह एक्स और यह एक्स दोनों एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर बन गया, और यहाँ वाई वन है और यहाँ वाई वन है तो दोनों वाई मिलकर क्या हो गया वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, लंबा कैलकुलेशन है ना। माइनस फोर का मल्टीप्लाई सेवन से कर लीजिए, एक प्लस एक माइनस तो माइनस फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट आ जाएगा, भाई फोर सेवन जा ट्वेंटी एट होता है और एक प्लस एक माइनस होने पर माइनस हो गया। और यहाँ देखिए एक्स वन है और यहाँ एक्स कितना है टू है तो यहाँ एक्स वन और वह एक्स मिलकर टू मिल कितना बना देगा एक्स के पावर थ्री बना देंगे, और यहाँ वाई वन है, यहाँ वाई वन है ना और यहाँ कितना है वाई, यहाँ पर भी वाई वन है सिंगल वाई है तो दोनों वाई वाई वन लिखकर कितना होगा वाई स्क्वायर बना देगा, ठीक है ना। अगला चलते हैं, अब देखिए माइनस फोर का मल्टीप्लाई माइनस नाइन से करना है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है तो हम प्लस नहीं लिख रहे हैं हम बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर का मल्टीप्लाई नाइन से कर लीजिए कितना आएगा थर्टी सिक्स आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन नहीं लिखना है, ओनली फोर का मल्टीप्लाई नाइन से थर्टी सिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स वन है और ये एक्स कितना है एक्स के पावर टू है तो कुल मिलाकर हो जाएगा एक्स के पावर थ्री, देखिए टू प्लस वन कितना हो गया थ्री हो गया। यहाँ वाई वन है और यहाँ वाई कितना है टू है तो वन प्लस टू मिले कितना हो जाएगा थ्री, वाई के पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, अब देखिए सेवन का मल्टीप्लाई टू से कर लीजिए, दोनों प्लस है तो सेवन टू जा फोर्टी, यहाँ एक्स वन है और यहाँ एक्स के पावर टू है तो दोनों वन प्लस टू मिले कितना हो जाएगा थ्री, वाई नहीं है यहाँ पर तो वाई यहाँ पर है लेकिन हमने वाई को लिखना पड़ेगा तो हमने वाई लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए सेवन है और माइनस है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए सेवन का मल्टीप्लाई फाइव से कर लीजिए, सेवन फाइव जा कितना होगा थर्टी फाइव हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स नहीं है तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख दिए। अब देखिए वाई वन है, यहाँ वाई कितना है वन है और यहाँ भी वाई वन है तो दोनों मिले कितना हो गया वाई की पावर टू, ठीक है। अब देखिए सेवन का मल्टीप्लाई थ्री से कर लीजिए तो सेवन थ्री जा कितना हो गया ट्वेंटी वन, और एक्स के पावर टू है, यहाँ एक्स के पावर टू है, देखिए टू और यह टू, टू और टू मिले कितना हो जाएगा फोर हो जाएंगे। यहाँ y है और यहाँ y नहीं है तो हम इसको y को अकेले लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सेवन का मल्टीप्लाई नेक्स्ट से करना माइनस फोर से, एक प्लस और एक माइनस तो सेवन फोर सा कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एट, देखिए सेवन इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एट, और देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ x के पावर वन है, देखिए यहाँ पर टू है x और यहाँ कितना है x वन है तो टू प्लस वन मिलकर x के पावर थ्री बन गया। यहाँ y के पावर वन है और यहाँ y कितना है वन है तो y इंटू वाई मिलकर कितना हो जाएंगे वाई स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए सेवन और यहाँ कितना है सेवन तो सेवन सेवन जाए कितना होगा भाई 49, क्योंकि दोनों प्लस में हो जाएंगे। यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ पर भी x के पावर 2 है तो x के पावर 2 x के पावर 2 मिलकर x के पावर 4 बना दिए। यहाँ y कितना है 1 है और यहाँ y कितना है यहाँ पर भी 1 है तो यह आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला चलते हैं, नेक्स्ट में देखिए 7 का मल्टीप्लाई
माइनस नाइन से कर लीजिए। देखिए प्लस सेवन का मल्टीप्लाई माइनस नाइन से करेंगे तो माइनस हो जाएगा और सेवन नाइन जा 63 हो जाएगा। नेक्स्ट लेकर चलिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो प्लस दो मिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, तो एक्स के पावर 4 हो गया। अगला देखिए यहाँ पर वाई के पावर 1 है और यहाँ वाई के पावर 2 है, y के पावर 2 और y के पावर 1 मिलकर बना देंगे y के पावर 3, y के पावर 3 बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं माइनस नाइन का मल्टीप्लाई 2 से करना, देखिए नेगेटिव वाला है ना, माइनस नाइन इंटू 2 तो एक माइनस एक प्लस होने पर माइनस हो जाएगा और 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 टू जा 18 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है, एक्स के पावर 1 है, तो यह 1 और यह 2 मिलकर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ वाई नहीं है तो इसलिए हम वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। अगला देखते हैं माइनस एन माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 5 जा कितना होगा भाई, 45। अगला देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अकेले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था नहीं। वाई स्क्वायर है और वाई के पावर 1 है, यहाँ वाई के पावर 2 और यहाँ वाई के पावर 1 मिलकर जो बन जाएंगे वाई के पावर 3। माइनस नाइन और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस नाइन इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 27। अगला देखिए एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया एक्स के पावर 4। बचा वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं था इसलिए हमें वाई स्क्वायर को ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट चलिए माइनस नाइन और माइनस 4, माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो यह आ जाएगा प्लस में, प्लस नहीं लिखते हैं, ओनली 4 इंटू 9 कर देते हैं, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। ओके एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के पावर 1 है, ये देखिए एक्स के पावर 1 और ए एक्स के पावर 2 तो 1 प्लस 2 मिल कितना हो जाएगा एक्स के पावर 3। अगला देखिए वाई के पावर 2 और यहाँ देखिए वाई के पावर 1, है ना, ये देखिए कितना है वाई के पावर 1 और यहाँ देखिए वाई के पावर 2 तो वाई के पावर 1 और वाई के पावर 2 मिले कितना हो जाएगा वाई के पावर 3। ओके नेक्स्ट चलते हैं माइनस नाइन का मल्टीप्लाई अगले कॉलम में 7 से करना है, देखिए 7 का मल्टीप्लाई माइनस नाइन से तो 9 7 का कितना होगा भाई, माइनस हो जाएगा और 63 क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस 9 इंटू 7 कितना होगा, माइनस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 63, माइनस 63 और एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4, पावर एड होता है, 2x यहाँ पर था एक्स के पावर 2 और यहाँ पर एक्स के पावर 2 तो एक्स के पावर 4 हो गया। और नेक्स्ट वाई के पावर 2 का मल्टीप्लाई वाई के पावर 1 से कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई के पावर 3, ठीक है। अगला देख लेते हैं माइनस नाइन का मल्टीप्लाई माइनस नाइन से कर देंगे, देखिए माइनस नाइन यहाँ पर भी है, सेम टर्म्स वहाँ पर भी लिखा है तो माइनस एंड माइनस कितना होगा प्लस एंड 9 9 81। अब देखिए बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे एक्स के पावर 4 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से कर लिया जाए तो वाई के पावर 4 बच जाएंगे टोटल। तो ये देखिए टोटल हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल का सेकेंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना था, ये देखिए आपके सेकेंड मोनोमियल था और ये फर्स्ट वाला गिवन था। मल्टीप्लाई कैसे करनी है देख लेंगे, नंबर टू नंबर करना है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मतलब का नंबर से नंबर का और वेरिएबल का वेरिएबल से करना है। मेरे हिसाब से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इजीली है और एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर हमने 1 एंड 2 सॉल्व किए हैं, तो मेरे हिसाब से जितने भी पॉइंट्स है टेबल कंप्लीट करना वो उसी बेस पर है। आप ध्यान से करेंगे तो टेबल आराम से मेरे हिसाब 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे इस टेबल को, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, आप एक बार ध्यान से इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिए तब तक।